वो तो गुंडा का गुंडा है। बसपा सुप्रीमो मायावती की इस तीखी बात से तमतमाकर ब्रिजभूषण शरण सिंह ने उन्हें यूपी की गुंडी करार दिया। यह साल 2019 लोकसभा चुनाव का था। हर किसी को लगा कि मायावती पर सीधा हमला बोलकर ब्रिजभूषण शरण सिंह ने दलित और महिला वोट बैंक से नाराजगी मोल ली है, लेकिन इसके उलट गोंडा की जनता ने ब्रिजभूषण शरण सिंह को सिर माथे पर बिठाया और लगातार छठवीं बार लोकसभा सांसद बन गए। यह पहली बार नहीं था जब ब्रिजभूषण शरण सिंह और मायावती के बीच जुबानी जंग हुई थी। ब्रिजभूषण ने उस वक्त भी मायावती के खिलाफ आवाज उठाई थी जब वह यूपी की मुख्यमंत्री थी। तब तो सीधा मंच पर ही ब्रिजभूषण शरण सिंह ने मायावती के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। ये कहानी तब की है जब मायावती एक साल के लिए बीजेपी के समर्थन से उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी और केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। एक इंटरव्यू के दौरान ब्रिजभूषण शरण सिंह ने बताया था कि गोंडा में मायावती का एक कार्यक्रम जयप्रभा ग्राम में चल रहा था, सभी लोग मौजूद थे। कार्यक्रम खत्म हुआ तो मायावती जी को एक स्लिप पकड़ाई गई। मायावती जी पलट कर आई और उन्होंने कहा कि मुझे गोंडा के लिए कुछ घोषणा करनी है। ब्रिजभूषण शरण सिंह आगे कहते हैं, हम सभी विधायकों के साथ बैठे थे, हमें लगा कि मायावती जी गोंडा को इंजीनियरिंग कॉलेज देंगी क्योंकि उस समय इसकी काफी मांग चल रही थी, और या फिर ये गोंडा बलरामपुर वाली रोड देंगी, लेकिन मायावती ने ऐलान कर दिया कि मैं गोंडा का नाम बदलकर लोकनायक जयप्रकाश नारायण नगर करती हूं। मायावती के इस अचानक ऐलान से ब्रिजभूषण चौंक गए। ब्रिजभूषण ने इंटरव्यू में स्वीकार किया था कि वह मंच पर ही मायावती से भिड़ने वाले थे, लेकिन साथियों ने मुझे रोक लिया। इसके बावजूद मैं नहीं माना और मायावती जी से भिड़ गया। ब्रिजभूषण के मुताबिक मायावती जी ने कहा, जो होना था हो गया। मायावती की इस बात से नाराज ब्रिजभूषण शरण सिंह ने उनके सामने ही कह दिया, मुख्यमंत्री जी, मेरे शरीर में खून का एक भी कतरा रहेगा तो मैं इस नाम को नहीं होने दूंगा। फिर मैंने इसे लेकर गोंडा में एक आंदोलन खड़ा किया, प्रधानमंत्री अटल जी को बताया कि गोंडा का नया नाम ठीक नहीं है। तब जाकर मायावती को अपना फैसला बदलना पड़ा। ब्रिजभूषण सिंह तब भी चर्चा में थे जब उन्होंने अयोध्या में प्रवेश करने पर एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे को सबक सिखाने की धमकी दी थी। राज ठाकरे को हैसियत में रहने की सलाह देने वाले ब्रिजभूषण शरण सिंह इस बार देश के नामी पहलवानों के आरोपों की वजह से बैकफुट पर हैं। बता दें कि भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ महिला पहलवानों ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं ब्रिजभूषण शरण सिंह का कहना है कि खिलाड़ियों के इस आंदोलन के पीछे एक अखाड़ा, एक परिवार को बदल कर नए नियम का लाया जाना है। उनका आरोप है कि ये पूरा आंदोलन कांग्रेस के इशारे पर हो रहा है।